नमस्कार। पश्चिमबंग निर्वाचनी हालचाल को नहीं आमर एक स्वतंत्र उपस्थापना जनता दरबार को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु निहारिका। आपण माने जानिछंति बेंगल रे अनेक राजनैतिक दल निर्वाचन मैदान को ओल्हाई निजर शक्ति प्रदर्शन करुथिले भी सेठारे मुख्यतः लड़ाई होउची राज्य रे क्षमतारे थिबा दल टीएमसी एवं केन्द्र रे क्षमतारे थिबा बीजेपी मध्यरे। टीएमसी एवं ममतांक 10 वर्षर कुशासन एबे बड़ आंटी क्यूम्बेन्सी फैक्टर भाव में छिड़ा होई जहाँ क्षमता परिवर्तन रा आभास दे सारी एक कथा को निज मुहरे स्वीकार भी कर सारी टीएमसी रा राजनैतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर। एणे कूचबिहार गुलिकांड घटना एवं कोविड संक्रमण परिस्थिति एबे बेंगल राजनीति में किसी ट्विस्ट आणवाक जाऊँगी। ममता कोविड संक्रमण स्थितर फायदा नहीं आगामी चारोटी जाक पर्यायर मतदान को एका थरके करिबाकु चाहुतिबा बेले एहा संभव नुहे बोली मत देइछंती निर्वाचन कमिशन। आसंतु देखिबा एनै एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगरे बाकी पर्याय निर्वाचन को नै बढ़िला आशंका। गोटिए पर्याय रे निर्वाचन हेबो नाही ममतांक ट्वीट को नहीं प्रतिक्रिया जारी। निर्वाचन रे कोविड गाइडलाइन को नहीं सर्वदलीय बैठक। कुचबिहार गुलिकांडर तदंत दायित्व नेला क्राइम ब्रांच। पश्चिमबंग रे हेबाकु थिबा आउ चारोटी पर्यायर निर्वाचन भोट ग्रहण गोटे पर्यायर करिबाकु पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निर्वाचन कमिशन को जणाइथिले। आसंता काली अर्थात एप्रिल 17 तारीख रे पश्चिम बंगरे पंचम पर्याय रे निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले परवर्ती समय रे आउ तीनोटी पर्याय रे वोट ग्रहण हेबो। महामारी समय रे 8टी पर्याय रे निर्वाचन पई निर्वाचन कमिशन को निष्पत्ति को विरोध करी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्वीट करिसेंती कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु बाकी थिबा विधानसभा आसन गुडी करे निर्वाचन गोटे पर्यायर करने से दावी करिसेंती। तबे निर्वाचन आयोग तरफ गोटे थर रे बा गोटे पर्यायर बाकी आसन पई मतदान करिबार योजना नाही बोली स्पष्ट करा जायछि। वैषयिक आईनगत कारण संभव नुहे बोली कहिसेंती निर्वाचन आयोग। तबे ममतांकर निर्वाचन व्यवस्था उपरे एपरि ट्वीट को नै राजनैतिक माहौल रे प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। हमें इस पैंडेमिक के सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए न कि पॉलिटिकल पोल्यूशन का किस्सा। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग इस पैंडेमिक के सोल्यूशन का हिस्सा बनने के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन का किस्सा बनते जा रहे हैं और लगातार अनर्गल बातें लगातार इस तरह की बातें राहुल गांधी जी कुछ बोल देंगे कोई और कुछ बोल देगा। अरे भैया इस पैंडेमिक पीरियड में इस पैंडेमिक के इस कोरोना काल में इस कोरोना के सोल्यूशन का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों की सेहत और सलामती के लिए हिस्सेदार भागीदार बनने की कोशिश करनी चाहिए न कि पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाने का काम करना चाहिए। आपको मोदी जी को कोसने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब आप जान है तो जहान है तो अपने जो है वो हेल्थ की भी चिंता करिए और दूसरों की सेहत सलामती के समाधान का भी कुछ हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाते रहेंगे आप इस तरह के जो है वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है जो लोग ये काम कर रहे हैं। महामारी प्रकोप मध्यरे पश्चिम बंगरे 8टी पर्यायर निर्वाचन पई निर्वाचन कमिशन निष्पत्ति नेइथिले जहाँकु टीएमसी आरंभरु विरोध करि आसुथिला। सूचना योग्य जे 22, 26 एवं 29 तारीख रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन गोटिए पर्यायर हेबो बोली गुरुवार सकाळु स्पेकुलेशन चालिथिला। तेबे पश्चिम बंगरे बाकी आसन गुडी करे निर्वाचन गोटिए पर्यायर एकाठी करिबाकु सेपरि कोनसी प्रस्ताव नाही बोली निर्वाचन कमिशन का पक्षरु कुहा जायछि। आज पश्चिम बंगरे मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वदलीय बैठक डका जायछि। एही बैठक रे प्रत्येक राजनैतिक दल तरफरु केवल जणे प्रतिनिधित्व करिवार निष्पत्ति निया जायछि। एपटे कुचबिहार गुलिकांडर तदंत भार पश्चिमबंग क्राइम ब्रांच को दिया जायछि।
एही गुलीकांड पई ममतांकु दायी करी एफआईआर मध्ये दायर होईचि। एबे देखिबाकु बाकी रहिला बेंगल रे बाकी थिबा पर्जा गुडीकर निर्वाचन आगामी दिन रे केउ खबर आणुचि। ब्युरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। तेबे सबु परिस्थिति परे भी विभिन्न दल पक्षरु चालीचि निर्वाचन प्रचार फलाफल जहाँ अनुमान करा जाउना काहेकि कौनसी दल आशा छाड़ी नहांती। दुई दिन हैला कांग्रेस मैदान को ओल्हाई ममता ए जाए ह्विल चेयर छाड़ी नहांती। पूर्व भली ह्विल चेयर रे बसी समवेदना साउटिबा को चेष्टा करुछंती। एहारी भितरे बीजेपी तरफरु आगामी पर्यायर मतदान पाई हाई वोल्टेज प्रचार करिछंती दुई जन केन्द्रमंत्री। एबे आसंतु जिबा केन्द्रमंत्री अमित शाहक प्रचार को। पश्चिमबंगर नदिया ठारु अमित शाह ममता को टार्गेट। टीएमसी कुशासन समय शेष हला। सोनार बांग्लार स्वप्न को पूरण करिबो बीजेपी। रोजगार और विकास बीजेपी आजेंडा। मे दुई रे दीदी विदा ने सहित बेंगल रु कुशासन और भ्रष्टाचार समाप्त हो। पश्चिमबंगर एक निर्वाचन सभा को संबोधन करी कहिछंती अमित शाह, हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, 2 मई को बंगाल की जनता का जो जनादेश आएगा, इसके बाद यहां पर कट मनी लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कट मार चली जाएगी। 2 मई को जब बंगाल की जनता का जनादेश आएगा, सिंडिकेट चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, सिंडिकेट वाली सरकार की विदाई हो चुकी होगी। 2 मई को जब आप परिवर्तन कर देंगे, भाईपो कल्याण वाली सरकार भी विदाई हो चुकी होगी। टीएमसी रा कटमनी और सिंडिकेट रा सरकार द्वारा अतिष्ठ बेंगलवासी प्रतिशोध नेबे और बीजेपी हाथ को शासन क्षमता देबे। गत 10 वर्ष हेला टीएमसी रा अत्याचारी और गुंडा राज रा शासन राज्य को पछ को नहीं जाइछि। बेरोजगारी और अनुन्नत शिक्षा व्यवस्था भितरे बेंगलवासी बहु पछरे पड़ जाइछंती। नदिया अंचल रे अनुप्रवेशकारी समस्या जारी रहिछि, किंतु ममता दीदी एहाकु नै कोनोसी व्यवस्था करि नाहंती। राज्य सीमारु अनुप्रवेशकारी आसी संपृक्त अंचल रे विश्रुंखला सृष्टि करुथिले मध्य दीदी केबे भी एहा उपरे नजर देइ नाहंती। एपरि कि कांग्रेस कम्युनिस्ट मध्य एहि समस्या को रोकिबा को कोनोसी पदक्षेप नै नाहंती। निजरा भाईपो राजनीति करुथिबा ममता नदिया रे बहु दशंधि धरि रहुथिबा मतुआ समाज और नामशूद्र समाज ओ अन्य शरणार्थी को नागरिकत्व देई नहंती, जेतेबेले कि सेमानको नागरिकत्व प्रदान करा जिबा उचित ओ एहाकु बीजेपी ही पूर्ण करिवो। विशेष करी राज्यर युवक मानकु रोजगार क्षम करिवा, महिला मानकर उत्थान बीजेपी रा मुख्य एजेंडा बोली कहिछंती श्री शाह। ब्युरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। कुआ जाउची आगामी पंचम पर्याय निर्वाचन हेबाकु जाउची दीदी ममता बनर्जी तथा टीएमसी पई सबुठु बड़ निर्णायक पर्याय। काहेकि ना सबुठु अधिक आसन रे मतदान एही पर्याय रे अनुष्ठित हेबार अछि। सबुठु बड़ कथा हेला जेउ सबु आसन रे एप्रिल 17 रे निर्वाचन हेबो सेठारे सबुठु अधिक भोट शेयर रहिछि बीजेपी रो। आसंतु देखिबा एने एक रिपोर्ट। ममतांक पाई निर्णायक हेबाकु जाउची आगामी पंचम पर्याय मतदान। पंचम पर्याय पाई मतदान हेउतिबा आसन गुड़ी करे बीजेपी रो रहिछि सबुठु अधिक भोट शेयर। एप्रिल 17 रे 45 आसन रे भाग्य परीक्षा करिवे विभिन्न दलर प्रार्थी। एबे सारा देशर नजर रहिछि पश्चिमबंग निर्वाचनी माहौल उपरे। सेठारे अनुष्ठित होइतिबा 4टी पर्यायर मतदान रे 135 आसन पई प्रार्थी भाग्य निर्धारण करिसारिछंती भोटर।
आउ बाकी रही 169 आसन अर्थात ए जाए जेती की आसन रे मतदान सरी अधिक आसन रे मतदान हेबाकु बाकी रही 17-29 तारीख मध्य शेष हेब तेबे उभय बीजेपी और टीएमसी पै सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउची पंचम पर्यायर मतदान एही पर्यायर मतदान खास करी ममतांक पै अधिक निर्णायक हेबो बोली कहिछंती राजनैतिक विश्लेषक कारण सबुठु अधिक आसन रे मतदान हेबो पंचम पर्यायर तेबे जेउ 45 आसन पै एप्रिल 17 रे मतदान हेबाकु जाउची से आसन रे रहिची बीजेपी रो सबुठु बेसी प्रभाव 2019 लोकसभा निर्वाचन रे एही सबु अंचल रे बीजेपी टीएमसी एवं अन्य दल ठारु अधिक संख्या रे वोट हासिल करथिला 2019 रे बीजेपी प्रार्थी माने एठारु मोट 45% वोट पाइथिबा बेले टीएमसी पाइथिला मात्र 41.5% वोट 2019 रो लोकसभा एवं 2021 रो विधानसभा निर्वाचन मध्य रे बीती जाइछि 2 वर्ष एहारी भितरे ममता एवं टीएमसी निजर पूर्व लोकप्रियता को संपूर्ण भावरे हराई सारिछंती लोकमत एबे बीजेपी सपक्ष रे ममतांकर निजर नेता मानक मध्यरु अनेक एबे बीजेपी शिविर रे एही परिस्थिति रे 17 तारीख शनिवार रो मतदान बा पंचम पर्यायर मतदान ही ममतांक पई निश्चय निर्णायक हेबो बोली कुहा जाउची कारण 2011 रु पूरा बेंगल रे एवं निर्दिष्ट भावरे एही 45 आसन रे बीजेपी रो जेपरी वोट शेयर वृद्धि पाइची ताहा प्रमाणित करूची ममतांक हातरु खसिबाकु जाउची राज्य क्षमतार डोरी ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज तेबे आसंता काली अर्थात एप्रिल 17 रे पंचम पर्याय निर्वाचन निर्वाचन बैतरणी पार होबाकु सबु प्रकार रणकौशल अपणाइछंती राजनेता माने अनेक नेता विभिन्न प्रलोभन देखाई भोटर को आकृष्ट करबाकु चेष्टा करूथिबा बेले कड़ा टक्कर चलीछि बीजेपी एवं टीएमसी मध्यरे दुई दल तरफ रु विभिन्न स्थान रे हाई वोल्टेज प्रचार चलीछि जहां एप्रिल 27 पर्यंत चलिबार संभावना रहीछि मे 2 तारीख रे भारत देखिबो पश्चिम बंगर भाग्य तेबे आजि पई जनता दरबार रे एतिकी नमस्कार।